तो ईद के लास्ट का जो वीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाशन रश का ही होता है, तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स इन डिमांड हो जाते हैं वापस, क्योंकि वो काफ़ी एक मतलब इस टाइम मतलब जो ये रमज़ान वाली ईद होती है ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि इसमें बंदा 30 दिन फास्ट करके तो एक्सपेक्ट करता है जब ईद आती है तो ज़्यादा फूड इंडस्ट्री की काफ़ी स्केल हो जाती है उस टाइम पर। मुलाकात के एक नए शुमारे में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रमज़ान स्पेशल सीरीज चल रहा है खैबर आज की मुलाकात, और इसमें हम डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं रमज़ान के डिफरेंट फेसेट्स पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। तो इसी हवाले से आज हमने दावत दी है मीर मुनीब साहब को, जो कि फाउंडर है अदर साइड कैफ़े के। मुनीब आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट कश्मीर लाइव। मुनीब, जैसा कि हम जानते हैं आपका एक कैफ़े है, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला, उसके अलावा आपकी बेकरी भी है। तो जैसे रमज़ान के बाहर के जो दिन होते हैं, मतलब जब रोज़ा नहीं रखते, रमज़ान से बाहर वाले मंथ्स जो होते हैं, उसमें आपका जो कस्टमर इन्फ्लक्स होता होगा, इनफ्लो होता होगा, वो अच्छा खासा रहता होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो बिज़नेस तो नॉर्मल रहता है, अकॉर्डिंगली कैसा है आपका क्लाइंट एज है, कैसे आपका बिज़नेस है, वो तो नॉर्मल ही रहता है। बट रमज़ान की वजह से थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, ये सारी फूड इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाती है रमज़ान की वजह से, मोरओवर इन कश्मीर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हाई पॉपुलेशन इस्लामी मतलब मुसलमान है, तो उस वजह से। बट इसी वजह एट द सेम टाइम ये वजह भी है कि मतलब वी डोंट टेक इट नेगेटिव, क्योंकि एक बाबरकत महीना है ये, तो इसमें काफ़ी बरकत होती है इनडायरेक्टली, तो उस वजह से वी डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इफेक्ट हो ही जाता है, अफेक्ट होता है। तो अगर हम रमज़ान की बात करें, अफेक्ट होता है लेकिन ख़त्म तो नहीं होता होगा ना, फिर भी कुछ डिमांड्स रहती होंगी। नहीं, ख़त्म नहीं होता है एक्चुअली, उसके ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंगली रमज़ान, जैसे हम प्लेटर्स क्रिएट करते हैं, एक गिफ्ट बास्केट मतलब प्लान करते हैं, तो डेट्स होते हैं, जैसे डेट्स में नई नई वेराइटीज कन्फेक्शनरी में एक हम एक्सपेंड करते हैं अपने ऑप्शन को, जैसे डेट्स होते हैं विद ड्राई फ्रूट्स एंड एस्टर, काफ़ी मतलब वेराइटी एक अलग क्रिएट की जाती है फॉर दिस मंथ पर्टिकुलरली, सो दैट एक कस्टमर को ऑप्शन मिले कि जो नॉर्मल रूटीन बाकी 11 महीने वो क्या लेते हैं, इस महीने में क्या स्पेशल है, तो वो हम रमज़ान स्पेशल एक नया ही मेन्यू क्रिएट करते हैं उसके लिए। तो काउंटर की जो सेल्स डाउन हो रही है तो उसको कैसे काउंटर करें, हम उन्हीं उसी को हम रिप्लेस करते हैं विद न्यू प्रोडक्ट्स। बट अगर हम बेकरी की बात करें, कौन कौन से बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रमज़ान में डिमांड में होते हैं ज़्यादातर? देखो इसमें ये है कि काफ़ी कम टाइम मिलता है लोगों को कि खाना पीना बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, खाली सहरी और इफ्तार का टाइम होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो खा नहीं सकते, कि मतलब एक तो अपना डिनर भी करना होता है, फिर सहरी भी करनी होती है, तो ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर वो लगते हैं जो काफ़ी मतलब हेल्थ फ्रेंडली चीज़ें हों वो लोग प्रेफर करते हैं, जैसे वो थोड़ा जैसे वो काफ़ी ड्राई हो जाता है इंसान माहौल, मतलब दिन भर फास्टिंग करके जो ड्राई हो जाता है इंसान का ना वो मतलब नेचर इस वजह से, तो उस वजह से हम थोड़ा देखते हैं कन्फेक्शनरी वाले प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, जिसमें थोड़ा रिलीजिंग फील आए, जो वेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जूसी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ज्यादा हम मतलब इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं इस चीज के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना। उसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स डिमांड में होते हैं अभी? इसमें जो काम वाली डिमांड वाली चीज़ें होती है वो होती है जो क्रीम बेस्ड वाली चीज़ें होती है, जैसे वो मोर ऑल गोज टू कन्फेक्शनरी ओनली, क्रीम बेस्ड वाली चीज़ों को कम डिमांड हो जाती है, वो जो डिमांड बढ़ जाती है वो होती जो टूवर्ड्स रिलेटेड टू द रमज़ान ओनली, जैसे मैं आपको बोला था पहले कि डेट्स है, जैसे डेट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, डेट्स की काफ़ी वेराइटीज़ आती है, ड्राई फ्रूट डेट्स बन जाते हैं, डिप्ड इन चॉकलेट हो जाते हैं, उसके काफ़ी प्लेटर्स बनते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस बनते हैं डेट्स रिलेटेड, और दूसरे बन जाती है जूसी मतलब बॉक्सेस होते हैं, मतलब फ्रेश फ्रूट प्लेटर्स बन जाते हैं, फ्रेश फ्रूट के बॉक्सेस बन जाते हैं, उसके सैलड्स बनते हैं, उसके ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, मतलब फ्रूट कस्टर्ड इन जार्स, फ्रूट कस्टर्ड इन बॉक्सेस, फ्रूट के वैरायटीज, तो मतलब रिलेटेड टू वो सब चीजें जो ज्यादा जूसी हो, तो वो इससे ज्यादा रिलेट हो जाता है इस टाइम। अब जैसे ईद आने जा रही है इंशाल्लाह, तो उसमें ऑब्वियसली बेकरी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी आपकी बेकरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड में आ जाते हैं? तो ईद के लास्ट का जो वीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाशन रश का ही होता है, तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स इन डिमांड हो जाते हैं वापस, क्योंकि वो काफ़ी एक मतलब इस टाइम मतलब जो ये रमज़ान वाली ईद होती है ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि इसमें बंदा 30 दिन फास्ट करके तो एक्सपेक्ट करता है जब ईद आती है तो ज़्यादा फूड इंडस्ट्री की काफ़ी स्केल हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि सर मतलब पीपल प्रेफर मोर फूड ऑन दिस ईद,
अदर दिन जो बड़ी ईद उल अदा है उसमें थोड़ा कम हो जाता है हमारा एज कम्पेयर टू दिस ईद, क्योंकि 30 दिन का फास्टिंग होती है तो मतलब काफ़ी फूड से बंदा दूर हो गया होता है, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि ईद पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी घर वालों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो जो भी ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट जो भी हम मतलब ऑफर करते हैं वो सारे डिमांड में आ जाते हैं। इवन इतना डिमांड आ जाता है कि मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ऑलमोस्ट सारे बिजनेस होल्डर्स इसमें आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं फिर उस वजह से। ओके, अब ईद में उतना अरसा नहीं रहा, लगभग 10-12 दिन रह चुके हैं ईद में, तो अभी आपके क्या प्रिपरेशंस हैं? अभी तो हम पैकेजिंग माहौल बना रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी हम मतलब बेकरी बना नहीं सकते, जो भी यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स है वो इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं करते बेकरी, क्योंकि इसका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होता है। तो जब क्लोज मतलब एक हफ्ता बचा होता है ईद में, तो प्रिपरेशन तब मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट तब स्टार्ट होती है चीज़ों की, और वो भी अकॉर्डिंग टू द शेल्फ लाइफ, जिसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है वो चीज़ पहले बनती है। जैसे उसमें आप ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है ड्राई आइटम्स की, ड्राई आइटम्स में आप कह सकते हैं ज़्यादातर कुकीज़ की काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है, मतलब एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने की लाइफ होती है कुकीज़ की, तो सबसे पहले वो प्रिपेयर किए जाते हैं ईद के एक हफ्ता पहले, क्योंकि उसके ऑलरेडी काफ़ी लाइफ है, तो एक हफ्ता पहले बनाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो स्टार्टिंग विद कुकीज़ एंड मतलब जो भी ड्राई आइटम्स है वो पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली जब दिन क्लोज आते हैं ईद के तो फिर वी गो टू कन्फेक्शनरी एंड एट द एंड वी गो टू वेट आइटम्स। वेट आइटम्स होते हैं जैसे क्रीम वाली चीज़ें, क्रीम केक्स, पेस्ट्रीज एंड ऑल, वो फिर लास्ट के एक दो दिन में बनते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है उस वजह से। आपने कहा कि आप रमज़ान के महीने में कोशिश करते हैं लोगों को अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने की, क्योंकि आपको जो लॉस हो रहा है उसको आपको काउंटर करना जी, है जी, तो जो ये आपको लगता है आप मैनेज कर पाते हैं मतलब फिर वो काउंटर करना? नहीं, इक्वलाइज तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल वो इक्वलाइज हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि हम बाकी महीनों में जो जिसको हम 100% बिजनेस बोल सकते हैं वो इफेक्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब यू कैन से 60-40 हो जाता है बिजनेस को, 60-40 तो इफेक्ट होगा ही, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम काउंटर करते हैं कि एटलीस्ट वो 60% हम गेन करें, अगर हम वो भी नहीं ऑल्टरनेट नहीं ऑप्शन नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर वो 60% से भी नीचे आ जाएगा, मतलब अराउंड 30% पे आ जाएगा फिर, तो इसलिए लेकिन मेंटेनेंस होता है, सैलरीज होते हैं स्टाफ की, रनिंग ये रनिंग कॉस्ट होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसलिए एटलीस्ट वो सब कवर अप हो जाता है अगर इफ़ वी कम अप विद द ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स। इसलिए आई कैन से जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो 60-40 हो जाता है, बट ओनली इफ़ यू कम अप विद ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स। अगर आपने सेम चीज़ को मतलब फॉलो मतलब सेम चीज़ सेम प्रोडक्ट्स और सेम मेन्यू को इस महीने में भी रखा तो आपको 30% तक डिप हो जाएगा, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द थिंग देन फॉर दैट मंथ। और ये स्टोरी जो है ये हर बेकरी ओनर के साथ होती होगी? हाँ बिल्कुल, ये तो स्टैटिक है ये, मतलब इसमें बेकरीज की एक्चुअली इट्स अनकैटेगराइज मार्केट, तो इसमें मतलब यू कैन से कि इसमें अलग 2-3 कैटेगरीज है, लाइक प्रीमियम बेकरी है, नॉर्मल बेकरी है, तो एक लग्जरी बेकरी है, तो 3 सेगमेंट की बेकरीज है इसमें, लेकिन तीनों अपने अपने एंड पे इक्वली सफर करते हैं इसमें। मुनीब, आप हमें ये बताइए कि आपके, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि आप की बेकरी शॉप्स भी हैं, तो आपके कहाँ कहाँ आउटलेट्स हैं? हमारे इस टाइम 4 आउटलेट्स है और एक बंद रहा है, तो 5 हो जाएंगे टोटल। तो स्टार्टिंग में जो हमारा बेस आउटलेट है वो सारा सिटी सेंटर मॉल में 2nd फ्लोर पे, जो हमने स्टार्ट किया था 2014 में, जिसको 10 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह इस साल। और 2nd आउटलेट है हमारा करणनगर चौक में, और 3rd आउटलेट हमारा है हरि सिंह हाई स्ट्रीट में, और 4th आउटलेट हमने रिसेंटली ओपन किया दिसंबर में परेपुरा रोड में। एंड एक और कैफे हमारा आने वाला है, रूफ टॉप कैफे, जो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है रूफ टॉप कैफेज का, तो वो हम बना रहे हैं इस टाइम, तो इंशाल्लाह वो उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह ईद के बाद, तो दैट्स कमिंग इन एट गोल मार्केट करणनगर इंशाल्लाह। आप ये बताइए जो फ्यूचर जनरेशन है उनको, जिनको इंटरेस्ट है, यंगस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट है बेकरी में, उनके लिए आप कुछ मैसेज एडवाइस वगैरह कुछ? जी, जो यहाँ फूड इंडस्ट्री है, जैसे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, काफ़ी मैंने देखा है बाहर, एक्सप्लोर किया है पूरे इंडिया को एंड बाहर, तो वो देखा मैंने कि फूड इंडस्ट्री मतलब यू कांट हैव इनफ ऑफ इट एनी टाइम, इसमें हमेशा स्कोप होना ही होना है, मतलब इसमें हमेशा स्कोप है। एंड कश्मीर की बात है तो अभी इसमें उतना अभी तो हुआ ही नहीं कुछ, जो एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडिया कहाँ पहुँची है फूड इंडस्ट्री में, उस हिसाब से अभी बहुत वाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस यही है कि मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ है अभी काफ़ी क्लटर्ड मार्केट बन गई है, मतलब इसमें अभी इट्स नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मतलब जैसे मैं आपको बोला था कि इसमें 2-3 कैटेगरीज आती है बेकरी की, वैसे रेस्टोरेंट्स की कैटेगरीज आती है, कैफे की कैटेगरीज आती है, तो यूथ को मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब व्हेन यू कम इनटू दिस वेंचर और एनी अदर बिजनेस, तो आपको एक मतलब यू शुड फाइंड ए वे जिसमें आप ऑर्गेनाइज तरीके से आए, एक अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, मतलब यू शुड कम विद अ प्लान कि मेरे को एक कौन सा बिजनेस करना है, क्यों करना है, नॉट जस्ट यहाँ पे एक थोड़ा मैंने एक नेगेटिव प्रॉब्लम देखी कि लोग कॉपी करते हैं बिजनेस को, दे डोंट हैव द मतलब एक बेसिक मतलब एक बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि क्यों करना है, कैसे करना है, दे जस्ट फाइंड इट कि कोई कर रहा है वो अच्छा चल गया, चलो मैं भी करता हूँ,
तो फिर उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा कि वो फेलियर पे ही एंड करते हैं, बिकॉज कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो नॉलेज नहीं होती है, वो तो वो डेडिकेशन नहीं होती उसमें. इट जस्ट बिकॉज दे आर कॉपिंग द थिंग, तो वो इसलिए वो कॉपी कर लेते कि वो चल गया तो वो हमारा भी चल जाएगा. बट यही है कि सजेशन फॉर द यंगस्टर्स, यू कैन गो फॉर एनी वेंचर इन फूड इंडस्ट्री, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. जितना आप इसमें अच्छा करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे. इट डिमांड्स क्वालिटी एंड सर्विस मोर ओवर. बाकी चीज़ें भी जरूरत है, सैक्रीफाइस ओवर थिंग्स, सैक्रीफाइस ओवर कम्फर्ट जोन, डेडिकेशन, वो सब चीज़ें जरूरत है. कंसिस्टेंसी जरूरत है. ये नहीं कि मतलब जो स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फिज होता है बंदे में, जोश होता है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, कुछ टाइम चला जाता है तो फिर वो फिज लो हो जाता है. तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट मोर ओवर द प्राइमरी थिंग इज फूड इंडस्ट्री इज क्वालिटी एंड सर्विस. अगर आपने वो दिया फिर कस्टमर डोंट माइंड आपको एक्स्ट्रा देने में. आप 10-20 रुपये महंगा ही रख दो, वो माइंड नहीं करेगा वो, क्योंकि इस टाइम क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं कस्टमर्स, तो दे डोंट माइंड महंगा थोड़ा बहुत होगा चलेगा, बट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. तो इसलिए क्वालिटी एंड सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड इंडस्ट्री. आपने वो क्रैक किया देन यू कैन गो अहेड विद इट. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो हमारा ये है कि मतलब हमने 10 साल हो गए तो हमारा जर्नी हैज़ बीन स्लो इन एक्सपेंडिंग, क्योंकि आई बिलीव कि यू शुड हैव अ स्लो ग्रोथ बट दैट्स अ स्टर्न ग्रोथ. जब आप एक साथ मतलब अभी तक आई कुड हैव एक्सपेंडेड टू 20 और 50 आउटलेट्स, बट उसमें क्या होता है इस वाली इंडस्ट्री में वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज इट्स जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें काफ़ी क्वालिटी का ध्यान देना पड़ता है, क्वालिटी का, मेंटेनेंस का, सर्विस का. तो इसलिए एक्सपेंडिंग ऐसे मतलब अनडिस्क्लोज मतलब अनलिमिटेड आप इसको एक्सपेंड करोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, वो इसमें आप फिर मेंटेन नहीं कर पाते, देन देयर इज अ डिक्लाइन. देन इसलिए इसमें मेरा इसमें मोटो रहा है, हमेशा मेरी फॉर्मूला रही है कि यू शुड हैव अ स्लो एंड स्टर्न ग्रोथ दैट कीप्स यू सस्टेन फॉर द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टाइम. आप हमें ये बताइए कि जो आपके अभी आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज कितने हैं आपके? इसमें दो तरीके के एम्प्लॉयज आ जाते हैं. कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ऑन पे रोल जो डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जो जिसको प्रॉपरली एम्प्लॉयज बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस जो ऑन रोल नहीं होते हैं. तो डायरेक्टली जो कनेक्ट मतलब जो ऑन रोल है हमारे वो अराउंड होंगे 40-50 एम्प्लॉयज, एंड जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे बिजनेस के साथ वो भी अराउंड 30-35 बंदे होंगे उसके साथ एसोसिएटेड. आपकी जो बेकरी शॉप है वो मतलब राउंड द ईयर रमजान के आउटसाइड रमजान वो खुली रहती होगी एक टाइम लिमिट होता है, तो आपकी जो अभी रमजान में अगर हम सेल्स की बात करें वो किस टाइम पे ज्यादा लोग आते हैं आपकी शॉप पे? उसकी ज्यादा इस रमजान के महीने में ज्यादातर जो इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स रहता है वो रहता है आफ्टर 4. ओके. आफ्टर 4 ज्यादा फ्लो रहते हैं, अप टू इफ्तार, इवन थोड़ा इफ्तार के बाद भी कुछ कस्टमर्स आ ही जाते हैं. और ज्यादातर होम डिलीवरीज भी काफी ज्यादा पिकअप कर रहा है ये इंडस्ट्री, होम डिलीवरी वाली इंडस्ट्री पिकअप कर रही है, तो वो भी चल रहा है साथ में, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है. ऑलमोस्ट 10-20% कह सकते हैं आप. बाकी जो रश है, इन्फ्लक्स है, वो सारा आ जाता है आफ्टर 4 PM मैक्सिमम. थैंक यू सो मच, आज आपने हमें वक्त दिया. ये उतना ब्रॉड टॉपिक नहीं है कि इस पे ज़्यादा बात कर सके हम, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे बात होनी चाहिए. थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया. हमारी तरफ से आपके लिए, हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए, ये खैबर सीमेंट की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है, आप प्लीज़ इसे कबूल करना है. थैंक यू सो मच मुनीफ फॉर योर टाइम.